बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शानी के किचन में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं अचारी कीमा, जिसके लिए हमने लिए है ये तकरीबन आधा किलो कीमा। अब इसमें इसको हम सबसे पहले हम कीमे को मैरिनेट करके रख देंगे। जिसके लिए हमने लिए ये एक कप दही। इसमें हम दही में हम ये अपने मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हल्दी आधा टीस्पून, कुटी मिर्च एक टीस्पून, पिसा हुआ धनिया आधा टीस्पून, नमक आधा टीस्पून। नमक हम थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमने वो अचार गोश्त मसाला डालना है, उसमें भी नमक होता है। ये सारे हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें ये तकरीबन हमने 3 टेबलस्पून अचार गोश्त मसाला लिया, आप कोई भी किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ये स्पून डाल दूँगी। अब हम इस सबको दही में मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले दही में मिक्स कर लेंगे। मसाले हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिए, अब हम इसको ये कीमे में डाल के मिक्स करेंगे। अब हम ये सारा ये मसाला और दही कीमे में अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। ये हमने बीफ का कीमा लिया है। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया, अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन 2 घंटे हो गए, ये देखिए हमारा कीमा अच्छी तरह ये मैरिनेट हो गया। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। इसको पकाने के लिए ये हमने ये तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको बारीक चॉप कर लिया है। 3 टमाटर लिए हैं, इनको भी इस तरह काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच। और ये हमने ये हरी मिर्ची ली है, इनमें से हमने ये बीज निकाल के और इनको कट निकाल के ये बीज निकाल लिए हैं। इनको हम मसाला लगा के अचार गोश्त मसाला लगा के वो बाद में डालेंगे, ये अदरक ये धनिया। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। ये तकरीबन हमने 1/2 कप ऑयल लिया है। अब इसमें हम अपने प्याज डालेंगे। प्याज को हम तकरीबन हल्का सा ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, लाइट ब्राउन। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये इसको थोड़ी देर हम लहसुन अदरक को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसमें अपना कीमा शामिल कर देंगे। अब हम इसमें अपना ये कीमा डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। ये अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। हमने इसमें पानी नहीं शामिल किया क्योंकि इसमें दही टमाटर और कीमा इसका अपना ही पानी इतना होगा कि इसमें गल जाएगा। जब तक ये गलता हम इसको ढक के छोड़ देते हैं। जब तक हमारा कीमा पक रहा है, हम अपनी ये जो हरी मिर्ची हमने काट के इनको कट लगा के इनके बीज निकाल लिए थे, अब हम इनमें मसाला भर के इनको रख देंगे। मसाले के लिए हमने ये लिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून अचार गोश्त मसाला। इसमें हम तकरीबन ये 1 लीमू का रस डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम अपनी ये हरी मिर्चों में भर देंगे। इस तरह ये हम सारी अपनी ये जो मिर्ची हमने काट के रखी हुई है, ये तकरीबन 7-8 हरी मिर्ची हैं, इसमें हम ये भर देंगे। ये सारी मिर्चों को हमने मसाला लगा के रख दिया है। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं कि हमारा कीमा तकरीबन गल गए, पानी भी इसका खुश्क होने लगा। अब हम ये
इसमें अपनी हरी मिर्च रख के इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये हरी मिर्च जिसको हमने मसाला जिनमें भर के रख दिया था, हम उसमें रख के तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हल्की सी आंच पे छोड़ देंगे। तो हम ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे। ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं कि हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ थोड़ा सा और अदरक डाल के चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम इसको डिश आउट कर, ये देखें जी माशाल्लाह अचारी कीमा हमारा बिल्कुल तैयार है और ये बहुत मज़े का बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।